नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, उम्मीद है मुझे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संलग्न करके बनाया हुआ है। अब आएंगे आपके 25 अंक आपके, यानी अब 25 में से आपके 25 अंक आएंगे। इस मॉडल पेपर में हमने इस तरह के प्रश्नों को संकेत किया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होंगे और आपकी तैयारी को और आगे ले जाएंगे। BTC सेकंड सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र है जो कि विज्ञान का है और यह मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट है। अगर आपने इससे पहले प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सभी मॉडल पेपर के पेपरों के PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठकर प्रिपेयर यानी तैयारी आगे और कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। यह तृतीय प्रश्न पत्र का विज्ञान जो मॉडल पेपर फर्स्ट है और इस प्रश्न पत्र को जो करने का समय है वो 1 घंटे निर्धारित होता है और इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक 25 अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। प्रथम खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है जिसका 1 अंक निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला हमारा विद्युत मोटर होगा, क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डायनामो, डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल एक ऐसा यंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि सितार एक ऐसा सेल है जो यानी ध्वनि तरंगों में इसे परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+O3 आयन को त्यागते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H3O+ बनाते हैं, यानी अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H3O+ बनाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो देखिए सभी विटामिन्स को आपको याद रखना है, इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोग और इनकी कमी या स्रोत आदि पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जबकि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और विटामिन ई का नाम टैकोफुरेल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक भी उत्तोलक होते हैं जिनका W यानी भार मध्य में होता है, आयस ई इधर होता है और इन पर जो आयस होता है लगने वाला जो बल होता है वो यहाँ होता है। तो आपको याद रखना है मध्य में क्या है भार है, यानी वे उत्तोलक जिनका मध्य में भार होगा वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे, जैसे हेडपम्प है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इनमें कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है। देखिए सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, यानी कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा क्षार है। तो देखिए सूचक पदार्थों के इंडिकेटर नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए लाल लिटमस पेपर जो एक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज भी सूचक है, फिनोप्टिलीन भी सूचक है, जबकि एंटासिड सूचक नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एंटासिड जो कि सूचक या इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए किसी यंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट होती है गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हम उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और सेकंड होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु की या यंत्र की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हम उसे
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं वर्ग हैं? तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी तत्वों के वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था, उसमें 7 आवर्त और 9 वर्गों में उसे विभाजित किया था। नेक्स्ट है, फसल चक्र क्या है? यानी फसल चक्र एक ऐसा चक्र है एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित समय के बाद सेकंड यानी दूसरी फसल को उगाना। इस फसल को उगाने से क्या वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती और उपज अधिक होती है, वह फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट है, मेरिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए क्वास्केर और मेरिस्मस रोग जो दो रोग हैं ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी से। कास्टिक सोडा और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH और जो खाने का सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो देखिए कोई एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिख सकते हो जिससे कीटों को नष्ट करता हो। तो देखिए गैमेक्सिन है, DTD पाउडर है और मेलाथीन है, इनमें से किसी एक का भी आप नाम लिख सकते हो। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, यह वीडियो भी आपके लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इसे सभी BTC प्रशिक्षुओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं और यह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में अंतर लिखिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में जो अंतर होता है वह लिखना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सूर्य के उपस्थिति में होता है और श्वसन तंत्र यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भाग लेने होते हैं सूर्य है, पौधे हैं, तो और जो पौधे हमें ऑक्सीजन निर्मित करके यानी बना करके देते हैं उसे हम श्वसन यानी ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, तो इन दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो देखिए लवण का एक ट्रिक देते हैं, लवण बनते हैं अम्ल प्लस क्षार यानी अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण बनते हैं। तो आपको याद रखना है लवण किस तरह बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। लवण जो निम्न प्रकार के होते हैं जिसमें से देखो लवण हमारे क्या होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं जिसमें सामान्य लवण आता है, क्षारीय लवण आता है, द्वि लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण, ये इस तरह के लवण होते हैं। इस तरह आपको कंप्लीट यानी पूरी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है, नाभ की ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए नाभ की एक ऐसी ऊर्जा होती है जो रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से उत्पन्न होती है। नाभिकीय पदार्थों के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है हम उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं और इसका उपयोग आपको बताना है। तो इसका मुख्य रूप से होता है जैसे न्यूक्लियर भट्टियों में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमें प्रोटीन, वसा, मिनरल्स उचित मात्रा यानी उचित अनुपात में मिश्रित हों या उचित अनुपात में मिले होते हैं, वह हमारा संतुलित आहार कहलाता है। और इस आहार को लेने से हमें यानी अपनी जो एंटीऑक्सीडेंट यानी शरीर की जो रक्षक तंत्र है प्रणाली है वह मजबूत होती है और हमें बीमारियां नहीं होती हैं और हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है, कोशिका क्या है? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो मानव शरीर होता है यानी मानव शरीर के असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, कोशिका बनी होती हैं, और पादप कोशिका होती है। इस तरह इन दोनों कोशिकाओं में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन किसे कहती हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर यह क्रिया संपन्न नहीं होगी तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, यानी शरीर से अपशिष्ट जो हमारे अनुपयोगी पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जित कहते हैं। और उत्सर्जन जो तंत्र में भाग लेता है वो ब्रक होता है, इसलिए आपको ब्रक का संपूर्ण चित्र बनाना है।
नेक्स्ट है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर लिखना है। भौतिक वे परिवर्तन होते हैं जिनमें अवस्था का परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस तरह आपको ये इन परिवर्तनों के अंतर लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको अच्छी यानी पसंद भी आई होगी। तो इसे अधिक से अधिक BTC बंधुओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनकी तैयारी भी और बेहतर से और बेहतर हो। नमस्कार मित्रों।